तो 28 सितंबर को एक एनिमे रिलीज हुआ जिसका नाम था उजुमाकी। ये एक हॉरर एनिमे है जो कि मांगा से लिया गया है। मांगा की वजह से काफी हाइप भी मिली है इसे। क्या ये अपनी हाइप को सेटिस्फाई कर पा रही है, तो वीडियो को एंड तक देखना बिना किसी स्पॉइलर्स के, तो मैं बताऊंगा कि ये कैसा एनिमे है। अगर मैं अपनी पर्सनल एक्सपेक्टेशंस की बात करूं तो मांगा फॉलो मैं नहीं करता, लेकिन न्यूज वीडियोस कवर करते करते मैं भी एक्साइटेड था इसके लिए। स्टोरी है एक टाउन की जहाँ स्पाइरल्स ने अपना राज करना स्टार्ट कर दिया है। हमारे मेन कैरेक्टर्स इसमें कपल्स हैं। मेल कैरेक्टर जो है उसका डैड फर्स्ट विक्टिम बनता है स्पाइरल्स का, एंड देन वन बाय वन शुरू हो जाता है ये खेल। अब ये सब कैसे हो रहा है वो तुम एनीमे देखकर पता लगवा सकते हो। अब अगर थोड़ा इसकी स्टोरी टेलिंग पर ध्यान दिया जाए तो टू बी ऑनेस्ट काफी कंफ्यूजिंग है सेकंड एपिसोड में। फर्स्ट एपिसोड में स्टोरी काफी इंटरेस्टिंग लगती है, एंड फिर लास्ट एपिसोड यानी फोर्थ एपिसोड में ऑसम लगती है। पेसिंग की बात की जाए तो वो एकदम से सही है, लेकिन सेकंड एपिसोड को पूरी सीरीज से निकाल लो तो काफी मजे की है। वैसे है भी सिर्फ चार एपिसोड्स की ही। कैरेक्टर डेवलपमेंट की बात की जाए तो वो ओनली दो कैरेक्टर पर ही फोकस करते हैं, एंड वो ऑफकोर्स मेन कैरेक्टर्स ही हैं। थीम की बात की जाए तो काफी डार्क है, ब्लैक एंड व्हाइट में हमें दिखाया गया है। स्पेशली फर्स्ट एपिसोड तो काफी अच्छा खेल जाता है साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट से। तुम्हें वाकई में बेचैनी फील हो सकती है ऑन फर्स्ट एपिसोड। इमोशनल कनेक्शन बन सकता है तुम्हारा सेकंड एपिसोड को, जस्ट पूरी सीरीज में इग्नोर करते जाओ। मेन कैरेक्टर को अच्छे से दिखाया गया है, लेकिन आई गेस के मेन कैरेक्टर अगर इसमें मेल को दिखाया जाता तो ज्यादा बेटर रहता, क्योंकि उसका रीजन ये है कि अब भी सीरीज में अगर आप देखोगे तो मेन कैरेक्टर ही सही से मैच्योर एंड रिस्पॉन्सिबल नजर आता है, बाकी ठीक ठाक है। लेकिन कैरेक्टर्स में रिलेशनशिप और उनके इंटरेक्शन रियली अच्छे से पोर्ट्रेट किए गए हैं। अब आ जाते हैं एक ऐसे मेन पॉइंट पे जिसकी वजह से बहुत से लोगों को ये एनिमे बकवास लग सकता है, एनिमेशन स्टाइल पर। क्या एनिमेशन इसका काफी चेंज है, ब्लैक एंड व्हाइट थीम के साथ फर्स्ट एपिसोड में ही एडजस्ट करना पड़ा था, लेकिन स्टोरी अच्छी थी तो एनिमेशन को इग्नोर कर दिया। लेकिन फिर आता है सेकंड एपिसोड, द वर्स्ट एनिमेशन एवर। तुम ये क्लिप ही देख सकते हो, मतलब कुछ भी बना दिया, एंड स्टोरी भी काफी अजीब लगी उस एपिसोड में। तो जो अप्रिसिएशन मिली फर्स्ट एपिसोड की वो एक झटके से खत्म हो गई, लेकिन फिर थर्ड एपिसोड हमें 10% इम्प्रूव मिलता है, एंड लास्ट एपिसोड मुझे काफी अच्छा लगा स्टोरी वाइज। साउंड ट्रैक्स की बात की जाए तो लास्ट में ही शायद एक है जो कि काफ़ी अच्छा लगा। बैकग्राउंड म्यूजिक भी एनिमे का ओवरऑल गुड है, सस्पेंस एंड थ्रिल बनाए रखता है। सिनेमाटोग्राफी एंड लाइटिंग रियली फजूल है, इम्प्रूव हो सकती थी बट क्या कर सकते हैं। स्ट्रेंथ एंड वीकनेस को अगर मैं तुम्हें कैटेगराइज करके बताऊं तो स्ट्रेंथ इस एनिमे की है स्टोरी, एंड वो साइकोलॉजिकल प्रेशर ऑकवर्डनेस जो तुम्हें फर्स्ट एपिसोड में एक्सट्रीमली फील होगी एंड तुम्हें सीरीज पर हुक कर देगी। वीकनेस इसकी पुअर एनिमेशन क्वालिटी, पुअर कैरेक्टर डेवलपमेंट, एंड ऐसा महसूस हुआ कि स्टोरी 10x की स्पीड में चल रही है, एंड वो भी बिना क्लीन एक्सप्लेनेशन, मतलब अचानक ही कुछ भी होता जा रहा है और कुछ पता नहीं चलता। ओवरऑल अगर मुझे इसको रेट करना पड़े तो मैं इसको 5 आउट ऑफ 2.5 रेट करूंगा। अब तुम्हें अगर स्टोरी चाहिए विद साइकोलॉजिकल थ्रिलर तो मस्ट राइड, लेकिन एनिमेशन तुम्हारी प्रायोरिटी लिस्ट में शामिल है तो ड्रॉप इट। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।